हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा एसएससी वाला टेस्ट डिस्कस करते हैं। एसएससी का जो टेस्ट था वो टेस्ट था SKSSC 2AHKN। ये टेस्ट 9 अगस्त 2017 को सेकेंड शिफ्ट SSC CGL का टेस्ट है। एक एक करके सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, एरर बताने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन सेज द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। देखो इसके अंदर ना सेकंड जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर एक प्रॉब्लम है। देखो या तो ये कॉमन ना होता, मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड, बिल्कुल ओके था, कोई इशू नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर आप यूँ कह रहे हो द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज कॉमा लगा रहे हो, तो ये दैट जो यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है द टाटा ग्रुप के लिए। और अगर टाटा ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है तो टाटा ग्रुप सिंगुलर है, तो इट शुड बी द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट के अंदर एरर है, इट शुड बी दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। अगला क्वेश्चन देखो, शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। देखो फ्रेज होता है मच लेटर, मच लेटर का मीन्स होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। यहाँ पे मच लेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मच लेटर। शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट, वो काफ़ी टाइम से रेस्टोरेंट नहीं गई है, मच लेटर, ठीक है ना। मच लेटर का मतलब हो जाता है लंबे टाइम से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला देखो, फिलर है, ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम्स ओनली आफ्टर डैश वेरी हार्ड, ओनली आफ्टर कंटिन्यूइंग वेरी हार्ड, वेरी हार्ड कंटिन्यू करता रहे, फंक्शनिंग वेरी हार्ड, लर्निंग वेरी हार्ड या टॉयलिंग वेरी हार्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था, टॉयल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हार्ड वर्क करना, ठीक है। तो ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम में बढ़िया कर सकता है ओनली आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ही डैश हिज कैमरा ऑन द टेबल, ही डैश हिज कैमरा ऑन द टेबल। देखो ही लेड हिज कैमरा ऑन द टेबल, ही लेन हिज कैमरा ऑन द टेबल, ही ले हिज कैमरा ऑन द टेबल। देखो ले जो है ना, ले ये फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है रखना, और ले जब सेकेंड फॉर्म होती है लाई की, तो इसका मतलब हो जाता है लेटना, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो वैसे ही नहीं हो सकता, लाई जो है ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म अगर आएगी ही के साथ तो एस सी आई एस होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाता है। ले जो है सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है लेटना, जबकि हमें चाहिए मीनिंग रखना, और ले अगर फर्स्ट फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है रखना, तो उस फॉर्म में ले के साथ एस मतलब एस लगना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म है तो ही के साथ, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है लेन, ये थर्ड फॉर्म है, लाई ले लेन, ठीक है ना। अब लेन अगर थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के साथ विदाउट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती, वर्ब चाहिए हमें, तो सेकंड ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। एक ही ऑप्शन बचता है लेट, जिसका मतलब होता है रखना, ही लेड हिज कैमरा ऑन द टेबल, ठीक है। अगले दो क्वेश्चंस में सिनोनिम बताना है, मोनोटोनस वर्ड है जिसका हमें सिनोनिम बताना है। मोनोटोनस इज अ वर्ड, वर्ड का मीनिंग खुद निकाल सकते हो, मोनो माने सिंगल, टोन मालूम ही है ट्यून, एंड पीछे है ओ यू एस विच मीन्स हैविंग और फुल ऑफ, तो हैविंग वन टोन मतलब डल एंड बोरिंग। फर्स्ट ऑप्शन डल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन जो है टिमिड, इसका मतलब होता है डरपोक। थर्ड ऑप्शन इज अनफ्रेंडली, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लस्टी। लस्टी जो वर्ड है, ये जो इसका जो मीनिंग होता है, ये होता है थोड़ा सा मतलब जो किसी चीज़ के लिए मतलब लस्ट रखी हुई हो, लालसा जो हिंदी में एक वर्ड होता है, दैट इज लस्टी, ठीक है। फिर वर्ड है इल्यूसिव, इल्यूसिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है समथिंग हार्ड टू डिस्क्राइब, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू अचीव, डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, ठीक है। ये सब चीज़ें यूज होती हैं इल्यूसिव में। तो इल्यूसिव जो वर्ड है इसका जो सिनोनिम होगा वो बनेगा बैफलिंग, फर्स्ट ऑप्शन, ये भी हो जाता है कन्फ्यूजिंग। एंटाइसिंग तो ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, डायरेक्ट, डायरेक्टिंग जो हो गया डायरेक्ट करना मतलब डायरेक्शंस देना, ठीक है ना। और सूदिंग जो वर्ड हो गया, ये हो गया जो आपको काम करे, ठीक है। अगले दो क्वेश्चंस में हमें एंटोनिम बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कोलोसल, कोलोसल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बहुत बड़ा,
टाइटेनिक एक्सट्रीमली लार्ज ह्यूज, ठीक है, तो एक्सट्रीमली लार्ज एक्सट्रीमली ह्यूज का मतलब जो होगा उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा छोटा। फर्स्ट वर्ड है एपिक, एपिक तो एक स्टोरी होती है, ठीक है ना, जनरली जो हमारी रामायण है दैट इज़ एन एपिक, ठीक है ना, जिसमें पोएम्स के थ्रू किसी स्टोरी को और किसी हीरोइक स्टोरी को डिनोट किया जाता है, दैट इज़ एपिक। रस्ट जो वर्ड होता है आयरन के साथ रस्टिंग वर्ड यूज़ होता है, जंग लगना मीनिंग हो जाता है। टीनी जो वर्ड है टाइनी वर्ड का सिनोनिम है, देखो टीनी वर्ड देख के थोड़ा सा अजीब लग सकता था लेकिन बाकी ऑप्शंस इजी थे तो हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन वास जो है कोलोसल का सिनोनिम है, ठीक है ना, तो टीनी जो वर्ड है इसी का इसका मीनिंग भी होता है टाइनी एक्सट्रीमली स्मॉल। नेक्स्ट वर्ड इज ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम इज अ वर्ड विच मीन्स टू क्रिटिसाइज समबडी सिवरली, बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज करना। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड एडुलेशन। एडुलेशन मीन्स टू प्रेज समबडी, ठीक है। एंड इग्नोमिनी जो वर्ड है ये तो मीनिंग होता है किसी को जब लाइक पब्लिक शेम हो जाए, पब्लिक एम्बेरसमेंट फील हो किसी को, दैट इज इग्नोमिनी। मिस्टिकल इज अ वर्ड जो जो किसी बिलीफ से रिलेटेड होता है, मिस्ट जो है बिलीफ से रिलेटेड होता है, जनरली रिलीजियस बिलीफ के लिए यूज होता है ये वर्ड। एंड प्रिक्लूड जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी को पहले ही रोक देना, प्रिवेंट करना, ठीक है। अगले दो idioms हैं, ऑल agog। ऑल agog जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है अमेज्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो इसका आंसर है, अवॉइड सेकेंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, ठीक है ना, तो अमेज्ड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट टू मीन्स मैटर्स। नोट टू मीन्स मैटर्स जो है इसका मतलब होता है कि किसी किसी चीज़ को ना पोलाइटली बोलना, इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग रूडली, कोई ऑकवर्ड चीज़ हो और उसको पोलाइटली कह देना उसको बोलते हैं मीन्स मैटर्स, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है टू स्पीक आउट पोलाइटली, दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो ब्रैकेटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है, कह रहे द डॉक्टर हैज़ एडवाइस। देखो दो दो चीज़ें हो गई, द डॉक्टर हैज़ एडवाइस हिम, तो एडवाइस हिम नहीं एडवाइज्ड होना चाहिए क्योंकि सी ई जो है ये तो नाउन होता है और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हैड बीन एडवाइज्ड, वॉज एडवाइज्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बींग अ प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे। बींग अ प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे। देखो ये सेंटेंस जो है ना ये सब्जेक्ट मिसमैच का क्वेश्चन है, जैसे बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग जो है इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, और जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट होता है जो यहाँ पे वी है वही फर्स्ट सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज सेंटेंस में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग डजंट डिनोट टू वी, मतलब कि वी जो है वो प्लीजेंट इवनिंग नहीं है, तो इस क्वेश्चन में बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग को हमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा और इवनिंग के लिए जो सब्जेक्ट बनता है वो बनता है इट, तो सेकंड ऑप्शन जो है इट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, फर्स्ट जो ऑप्शन है सेंटीपेड। सेंटीपेड जो वर्ड है ना इसमें देखो लिखा है सेंट, सेंट माने हंड्रेड, सेंचुरी वर्ड होता है ना, सेंचुरी इसी से बना है सेंट से, सो सेंट परसेंट में भी यही आता है, तो सेंट माने हंड्रेड। एंड पेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है पैर, तो जिसके सो पैर हों, ठीक है। एक्चुअल में सेंटीपेड एक छोटा सा एनिमल सा होता है जिसके मतलब बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है लेकिन लॉन्ग और थिन होता है और इसके बहुत सारी लेग्स होती हैं, मैनी लेग्स होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटीपेड। रेंगता रेप्टाइल होता है, रेंगता है ये, ठीक है। सरकम लोक्यूशन, देखो सरकम जो वर्ड है सरकम फ्रेंस वर्ड में आपने सरकम सुना होगा, सरकम का मतलब होता है चारों ओर, लोक एल ओ सी इसका मतलब होता है टू स्पीक समथिंग। सरकम माने चारों ओर, लोक माने बोलना और शन माने एक्टिविटी, सरकम लोक्यूशन का मतलब होता है चारों तरफ घुमा फिरा के बात करना। राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग का आंसर इज सरकम लोक्यूशन। कोअर्जन जो वर्ड है कोअर्जन इसका मतलब होता है किसी के ऊपर फोर्स करना, कोजिंग समबडी टू एक्ट, ठीक है। और कौन सेंट्रिक जो वर्ड होता है उनका मतलब होता है हैविंग सेम सेंटर, कौन माने टुगेदर एंड सेंटर और आईसी हो जाता है रिलेटेड टू। नेक्स्ट वर्ड इज एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन। फर्स्ट ऑप्शन इज मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट इज एन ऑप्शन विच मीन्स टू गेट प्लेजर, वन हु गेट्स प्लेजर
फ्रॉम बीइंग हर्ट, तो उसको हम बोलते हैं मैसोचिस्ट। सेप्टुजेनेरियन इज अ वर्ड, इसमें देखो सेप्टू लिखा है, सेप्टू मीन्स सेवन एंड जेन मीन्स टू प्रोड्यूस। सेप्टुजेनेरियन जो वर्ड है ये होता है जिसकी एज 70 से 79 के बीच में हो, ठीक है। स्नाइपर जो वर्ड है ये तो आपने सुना होगा, गेम्स होती हैं कई सारी, स्नाइपर्स को किल करते हैं। स्नाइपर जो वर्ड होता है शूटर होता है, जनरली जो छुप के किसी को शूट करता है उसको बोलते हैं स्नाइपर। एंड स्पिनस्टर इज अ वर्ड विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पिनस्टर इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर ओल्ड अनमैरिड वूमेन, ऐसी लेडी जो अनमैरिड हो और एज जिसकी ज्यादा हो गई हो उसको हम बोलते हैं स्पिनस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटली स्पेल्ट वर्ड हमें देखना है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटम, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ट हमें देखना है, ऑटम की स्पेलिंग ठीक है। डेस्परेट, डी ई एस पी ई आर, स्पेलिंग ओके है। रिसीट, रिसीट जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग ओके नहीं है, आर ई सी ई आई पी टी होता है, आर ई सी ई आई पी टी होता है। देखो आई ई और ई आई के अंदर ना एक जनरल रूल है जो 100% लाइक ट्रू नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जगह पे लगता है। देखो जनरल जो स्पेलिंग्स होती हैं ना उनके अंदर आई ई आता है, ठीक है। जैसे फ्रेंड देख लो, एफ आर आई ई एन डी ई, ठीक है ना। बिलीव देख लो, पी ई एल आई ई वी ई, ठीक है ना। तो जनरल स्पेलिंग्स में आई ई यूज होता है, ठीक है, लेकिन सी के बाद जनरली ई आई यूज होता है, सी के बाद जनरली ई आई यूज होता है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर ना कहीं पे दिख रहा हो तो ये तुक्का कई जगहों पे लगाया जा सकता है। एंड ट्रैफिक की स्पेलिंग ओके थी, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। सेंचुरी जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग ओके है, फाइनेंस की ओके है, रिमेंबर, रिमेंबर की भी ओके है। स्पॉन्सर, यस, फोर्थ ऑप्शन की स्पेलिंग ओके नहीं है, एस ओ आर होता है स्पॉन्सर में, एस ई आर नहीं होता, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला पी के ओ आर एस है, पढ़ रहे हैं। देखो अगेन मैं रोज की तरह वही बताऊंगा कि हमें करना क्या है, क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। फर्स्ट देखो पी पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं हाउएवर आवर एनवायरमेंट ऑल्सो नीड सम हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू गेट मेंटेन्ड एज यूजुअल टू नरिश आर लाइव्स फॉर एवर एंड टू नेवर रून आर लाइव्स। कह रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को भी ज़रूरत है, कुछ हमारी तरफ से हेल्प चाहिए हम सब की तरफ से, ताकि ये बना रहे एज यूजुअल टू नरिश आर लाइव्स, और हमारी लाइव्स को नरिश करता रहे, पालन पोषण करता रहे फॉर एवर एंड टू नेवर रून आर लाइव्स, और हमारी लाइफ को ख़त्म ना करे। इट, देखो हाउएवर से शुरू हो रहा है तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, पी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अगला देखो, इट गिव्स अस ऑल थिंग्स विच वी नीड टू लिव आर लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। इट जो है, फिर देखो इट जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कह रहा है कि ये सब चीज़ें देता है, वही एनवायरनमेंट की बात होगी, जरूर एनवायरनमेंट के लिए कह रहा होगा कि ये हमें सब चीज़ें देता है हमारी लाइफ को जीने के लिए। इट प्रोवाइड अस बेटर मीडियम टू ग्रो एंड डेवलप, इट प्रोवाइड्स होना चाहिए वैसे तो ये, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स अस बेटर मीडियम टू ग्रो, अगेन इट जो है ये अगेन मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होगा, ना पी फर्स्ट हो सकता है, ना क्यू फर्स्ट हो सकता है, ना आर फर्स्ट हो सकता है, अभी तक जो मुझे लग रहा है। एस को देख लेते हैं एक बारी, कह रहा है एन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विथ सराउंड अस टू हेल्प इन नंबर ऑफ वेज। कह रहा है एक एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर वो सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं जो हमारे को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ताकि हमारी नंबर ऑफ वेज में हेल्प कर सकें। तो देखो एस जो है दैट कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज ओनली इन द ऑप्शन नंबर थ्री, एस आर क्यू पी, यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, मुझे ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है। एस जो है यही हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। देखो वही बेसिक चीज़ है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढ लो और आपका जो क्वेश्चन है वो डन, ठीक है, बस इतना सा काम करना होता है। अगला पढ़ रहे हैं, कह रहे द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस ऑफ ए माइनॉरिटी विद इन सोसाइटी जनरली और इवन द एक्सपीरियंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ प्रोग्रेसिव सोशल मूवमेंट विच डजंट लिव अप टू इट्स प्रोग्रेसिव एजेंडा इन एवरी रिस्पेक्ट।
कह रहे द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस, कह रहे स्टार्टिंग पॉइंट एक्सपीरियंस हो सकता है किसी माइनॉरिटी का विद इन सोसाइटी जनरली, और इवन द एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रुप या किसी और ग्रुप का एक्सपीरियंस होता है ऑफ पीपल विद इन अ प्रोग्रेसिव सोशल मूवमेंट विच डजंट लिव अप टू इट्स प्रोग्रेसिव एजेंडा इन एवरी रिस्पेक्ट, जो हर रिस्पेक्ट में अपने एजेंडा पे नहीं चल रहे हैं। पता नहीं स्टार्टिंग पॉइंट किस चीज़ का, अभी कुछ समझ में नहीं आई, अगला देखते हैं, पहले अगले पढ़ के आते हैं। कह रहे विद इन और आफ्टर पोस्ट मॉडर्निज्म ए ग्रांट यूनिफाइंग थ्योरी नो लॉन्गर सीम्स पॉसिबल, दिस डजंट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी और द नेसेसिटी ऑफ द डायलॉग। कह रहे विद इन और आफ्टर पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद में या उसके दौरान ए ग्रांट यूनिफाइंग थ्योरी नो लॉन्गर सीम्स पॉसिबल, एक ग्रांट थ्योरी जो सबको यूनिफाई करे इकट्ठा कर दे पॉसिबल नहीं लग रही। दिस डजंट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी और द नेसेसिटी ऑफ डायलॉग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत की नेसेसिटी ख़त्म है। पता नहीं अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और विद इन मतलब ये भी मेरे को फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं लग रहा, आगे देखते हैं। कह रहे द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म कैन बी वेरी डिफरेंट, कह रहे अगर आपको सोशल क्रिटिसिज्म करना है तो जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा पी में भी स्टार्टिंग पॉइंट ही लिखा था ना, पी द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एक्सपीरियंस ऑफ ए माइनॉरिटी। अच्छा मेरे को थोड़ा सा अब लिंक सा बनता दिख रहा है आर और पी का, देखते हैं एक बारी। कह रहे हैं द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म कैन बी वेरी डिफरेंट एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म नेवर हैव अ मोनोपोली ऑन सोशल क्रिटिसिज्म। कह रहे हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सोशल क्रिटिसिज्म का वो बहुत डिफरेंट हो सकता है, एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सोशलिज्म नेवर हैव अ मोनोपोली ऑन सोशल क्रिटिसिज्म। और कह रहे हैं अलग अलग सोशलिज्म में किसी की भी मोनोपोली नहीं है, मतलब एक कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि सोशल क्रिटिसिज्म कैसा किया जाए। एक बार हम पी को दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस, अच्छा वही पी को उससे रिलेट कर दो, आर के बाद पी आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट्स की बात की और उसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट की बात की, आर और पी इकट्ठे आएंगे और क्यू जो है फर्स्ट नहीं है, पी फर्स्ट नहीं है, आर के बाद पी आएगा, यानी आर अभी हमें पता नहीं फर्स्ट है या नहीं। अगला देखते हैं, नेवर द लेस का मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद, ठीक है ना, मतलब ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, हमारा आर फर्स्ट है फिर पी है। ऑप्शंस देख लो, आर और पी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, एस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लो। नेवर द लेस मोस्ट सोशल क्रिटिक्स स्टिल कंसिडर द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म टू बी सेंट्रल, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है कि मतलब जो क्रिटिक्स है ना, जो आलोचक होते हैं वो भी अभी भी यही मानते हैं जो कैपिटलिज्म का क्रिटिक है वो सेंट्रल है, ठीक है ना, छोड़ो हमने क्या लेना देना है, हमारे पास आंसर आ चुका है सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, हमें क्या करना है, अच्छा वॉइस चेंज करना है। कह रहे रॉन वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द ईमेल, वॉज नॉट टोल्ड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स पैसिव है, हमें एक्टिव बनाना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, नोबडी टोल्ड रोहन, वॉज नॉट टोल्ड है तो टोल्ड आएगा, यस नोबडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल, सही लग रहा है यार ये तो, बिल्कुल ओके लग रहा है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, समबडी डिड नॉट टेल रोहन अबाउट द ईमेल, समबडी कौन भाई, नोबडी टोल्ड डिड नॉट टेल, ठीक है ना वो नोबडी वाला, ठीक है। अगला और देखो, कह रहे द ईमेल वॉज नॉट टोल्ड अबाउट, देर वॉज नोबडी हु कुड, कुछ नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, नोबडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल, मतलब एक्टिव पैसिव तो ऐसे आते हैं कि ऑप्शंस के थ्रू जाओ तो बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो, राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट, राम एडवाइज रोहन, अच्छा कॉमा लगाने की जरूरत तो नहीं थी, डोंट रन सो फास्ट ना, ये कॉमा की जरूरत वैसे ही नहीं थी, गलत हो गया। राम आस्क्ड रोहन व्हाई इज ही रनिंग, पूछा थोड़ी है उसको, कहा है ना, राम रिक्वेस्टेड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट, राम टोल्ड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट, देखो थर्ड और फोर्थ ओके ओके लग रहे हैं, लेकिन थर्ड के अंदर जो रिक्वेस्टेड दे दिया ना वो गलत हो गया, ठीक है बस। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, देखो अगले 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट है, देखते हैं जल्दी से क्या कह रहे हैं। लैंग्वेज दे से इज द डैश थ्रू विच ह्यूमन बींग्स परसीव द वर्ल्ड, लैंग्वेज दे से इज द डैश थ्रू विच ह्यूमन बींग्स परसीव द वर्ल्ड, देखो परसीव जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में अवेयर होना थ्रू द सेंसेस,
जनरली सेंस भी जो देखने वाली होती है साइट से रिलेटेड उसको बोलते हैं. तो कह रहा है लैंग्वेज दे से इज द डैश. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. लैंग्वेज दे से इज द डैश थ्रू विच ह्यूमन बींग्स परसीव द वर्ल्ड. लैंग्वेज दे से लेंस. लेंस वैसे देखने के लिए यूज होता है. ठीक है, माइट बी, बट अभी मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता. आगे देखते हैं. रिसोर्स भी हो सकता है भाई. सोर्स भी हो सकता है. टेलीस्कोप. अच्छा ठीक है, टेलीस्कोप देखने के काम आता है. लेकिन ना, टेलीस्कोप वाली सेंस यहाँ पे कोई नहीं लग सकती. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. तो पहले तीन ऑप्शन हो सकते हैं. मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ. जनरली देखो, कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते ही आंसर करना होता है. आगे से हम सेंस लेके आ सकते हैं और हमें ज़रूर आगे कोई ना कोई सेंस मिलेगी जब ऐसा कुछ होता है. आगे देखते हैं. इफ सो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस. लो जी आ गया. इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस. तो इंग्लिश ऐसा लेंस है. इंग्लिश भी तो लैंग्वेज है. तो ऊपर क्या यूज करेगा? लेंस. मिल गया ना? देखो साफ आंसर दे रखा है. इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस थ्रू विच टू सी एनिमल्स. जिसके थ्रू हम एनिमल्स को देख सकते हैं. अब इसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं? देखो डिस्टोर्टिंग. डिस्टोर्टिंग वर्ड का मतलब होता है जो किसी चीज़ को ट्विस्ट कर दे शेप से. या डिस्टोर्ट का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंट. ठीक है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना. तो कह रहे इट हैज़ नहीं सॉरी इफ सो इंग्लिश इज द परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस डिस्टोर्टिंग लेंस डिस्टर्बिंग लेंस डिस्टर्बिंग लेंस पॉपुलर लेंस हो सकता है. आई गेस यूजफुल भी हो सकता है. डिस्टर्बिंग की सेंस नहीं आ रही. डिस्टोर्टिंग का अभी पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता. अगेन आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा. देखो विच टू सी एनिमल्स इट हैज ए क्रॉस आईड व्यू. आप देखो मिल गया लिंक. क्रॉस आई व्यू मालूम क्या होता है? क्रॉस आई व्यू होता है हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना भेंगापन, उसको इंग्लिश में बोल सकते हो क्रॉस आई व्यू. एक तरह की बीमारी होती है जब आप फोकस कहीं और करते हो और आपकी आंख कहीं और फोकस कर रही होती है. ठीक है ना? तो क्रॉस आई व्यू है इंग्लिश का. यानी कि नेगेटिव वर्ड चाहिए, यूजफुल और पॉपुलर आ नहीं सकते. डिस्टर्बिंग वर्ड वैसे नहीं आ रहा था. तो डिस्टोर्टिंग इज द राइट आंसर इन 22nd. अगला देखो. क्रॉस आइड व्यू ऑफ बर्ड्स बीस्ट फिश एंड फॉल. ये बीस्ट जो होते हैं ये एनिमल्स होते हैं, फिश हो गए लाइक वाटर के लिए, एंड फॉल जो वर्ड है ये यूज होता है बर्ड्स के लिए, पोल्ट्री वगैरह के लिए. ठीक है ना? तो इट हैज डैश ए क्रॉस आइड व्यू. इट हैज एकम्पनीड ए क्रॉस आइड व्यू. इट हैज एक्सरसाइज ए क्रॉस आइड व्यू. एकम्पनी किसके साथ करेगा? तो एकम्पनी ऑप्शन नहीं आ सकता. एक्सरसाइज ए क्रॉस आइड व्यू मतलब लेंस जो है एक्सरसाइज कर रही है वर्ड को. नहीं, मतलब लैंग्वेज जो है एक्सरसाइज कर रही है वर्ड को ना. एक्सरसाइज नहीं, ऑप्शन नहीं बनता. यूज अप्लाई परपिचुएटेड. परपिचुएट जो वर्ड होता है इस वर्ड का मतलब होता है टू मेक समथिंग कंटिन्यू, कोई चीज़ जो लंबे टाइम से चलती आ रही हो. तो इट हैज़ परपिचुएटेड ए क्रॉस आइड व्यू ऑफ बर्ड्स बीच. हो सकता है अनडेटर्ड. अनडेटर्ड का मतलब होता है कंटिन्यू डिस्पाइट बैड कंडीशन. देखो परपिचुएट भी होता है कंटिन्यू, अनडेटर्ड भी होता है कंटिन्यू. लेकिन अनडेटर्ड में आ जाता है कंटिन्यू विदाउट, मतलब डिस्पाइट हैविंग सम प्रॉब्लम्स. ठीक है ना? तो अनडेटर्ड वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हो सकता. तो जो ऑप्शन बन रहा है वो परपिचुएटेड बन रहा है. कह रहे द वेरी वर्ड एनिमल कैन डैश द ब्रूटिश एंड सेंसुअल. कह रहे जो वर्ड एनिमल है उसको, उससे ब्रिटिश भी हो सकता है मीनिंग. भाई एनिमल जो वर्ड है इंग्लिश के अंदर जनरली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? देखो क्या सेंस लेके चल रहा है. एनिमल वर्ड जो है हम जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को बुरा बताना चाहते हैं. ब्रिटिश जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है रफ, अनप्लीजेंट एंड जनरली वॉयलेंट. ठीक है, तो एनिमल वर्ड हम ब्रिटिश लोगों के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, और सेंसुअल जो वर्ड है ये यूज़ होता है, ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, जो फिजिकली प्लीजिंग के लिए वर्ड यूज़ होता है. ठीक है, तो कह रहे हैं द वेरी वर्ड एनिमल कैन डैश द ब्रूटिश एंड द सेंसुअल. दैट कनोट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इंडिकेट. रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ट्रबल जो नेगेटिव वर्ड ये भी नहीं हो सकता. और अंडरस्टैंड या कनोट में से होना था. देखो अंडरस्टैंड वर्ड नहीं समझेगा, समझेंगे हम. तो कनोट वर्ड इसका आंसर हो गया. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं. कह रहे एनिमल डैश इम्प्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी. एनिमल जो है
वुड डैश इम्प्लाई बिजनेस, एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग वर्ड का मतलब हो जाता है मतलब बनाना, ब्रीड करना, जेस्चर्स एनिमल जेस्चर्स भी नहीं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है नेचुरल बिहेवियर, एनिमल इंस्टिंक्ट्स इम्प्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी। तो एनिमल वर्ड देखो जनरली हम लोगों को किन लोगों को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो वल्गर हों या बेसनेस जो शो करते हैं। बेसनेस का मतलब होता है लैक ऑफ मॉरल बिहेवियर, ऊपर लिखा था ना सेंसुअल वर्ड, तो वहाँ से इसका सेंस मिल रहा है। इंस्टिंक्ट्स जो वर्ड है वो इसके अंदर आ रहा है मुझे दिख रहा है। और फोर्थ स्पीसीज़ की कोई बात नहीं चल रही, स्पीसीज़ जो हो जाती हैं मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ होती हैं जैसे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जो आंसर हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है थर्ड ऑप्शन, इंस्टिंक्ट्स, ठीक है ना। तो देखो ओवरऑल लाइक ये क्लोजेस्ट ठीक था। इसको क्लोजेस्ट के अंदर ना आपको जो ध्यान देनी थी जो चीज़, वो सिर्फ ये थी कि क्लोजेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते ही कभी भी आंसर नहीं करना चाहिए, क्लोज टेस्ट करते हुए आंसर जो है पूरे क्लोज टेस्ट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका ये टेस्ट हो गया पूरा, तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।